हम लोग लाख कहते रह जाए, इन लोग कोई सुनने वाला नहीं है। ये सच्चाई है, हम लोग विधायक हैं, लेकिन एक ट्रांसफार्मर अगर चाहेंगे तो इन लोग से नहीं बदल सकता। जिस तरीके से स्वास्थ्य में आप सुधारे थे, उसी तरीके से आरोग्य में भी सुधारे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचाती रहे। एक बात जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे पुनः माननीय सांसद महोदय का। डीसी साहब से अनुरोध है, माननीय विधायक, माननीय विधायक, कृपया आपसे अनुरोध होगा अपने स्थान पर मैं मंत्री महोदय को इस अरवल की धरती पर इस्तकबाल करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं कि अरवल जिला का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। 2001 में बना, जिस दौर में बना आप लोग जानते हैं कि वो दौर क्या था। आज अरवल जिला जब जिला बना है तो बहुत सारे जिला का जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए विकास का, वो अभी कोसों दूर है। ये अरवल जो शहर है, वो शहर में विकास जितना होना चाहिए, हम मंत्री महोदय यहाँ आए हुए हैं। ये अब महागठबंधन की सरकार हो गई है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हाल ही में महागठबंधन की सरकार हो गई है और मंत्री महोदय आए हुए हैं। तो हम इनसे आग्रह करेंगे, अरवल के प्रभारी मंत्री हैं इसलिए हम इनसे आग्रह करेंगे कि अरवल में जो सोन नहर का जो हालत है, कल परसों सड़क जाम करना पड़ा, बगल में ही पानी नहीं पहुंच रहा है, सोन नहर का जो हालत है उसको ठीक करवाएंगे, यहाँ बाईपास का मामला ठीक कराएंगे, जो शहर टूटे नहीं, यही शहर जो है अरवल का असली नाज है, वही शहर है जो अरवल दिखता है। लेकिन कोशिश हो रही थी पहली वाली सरकार में उसको शहर तोड़ करके शहर का चौड़ीकरण करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हम मंत्री महोदय से मांग करेंगे और इस मामले में हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी जा करके मिलेंगे कि अरवल में बाईपास का मामला, अस्पताल का मामला, अन्य तरह के सुविधा का मामला हो उस पर जरूर ध्यान देंगे। यही बात कहते हुए कि हम लोग यहाँ जो आज मना रहे हैं, जिनके पिताजी ने इस जिला का नामकरण किया, जिला बनाया, और उनके सुपुत्र आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं एक बार फिर महागठबंधन की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भी विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कर्नल बंसी जी, लोकप्रिय विधायक महानंद बाबू और लोकप्रिय विधान पार्षद राम बली जी और जिला के मैडम डीएम और आरक्षी अधीक्षक पांडे जी और स्वागत करता हूँ। यह जो जिला है काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इतना दिनों में जो मैंने अनुभव किया, बहुत हम लोग पीछे हैं। किसकी गलती कहा जाए, अभी जर्जर स्थिति है। अभी हमारे नौजवान जो प्रदर्शन किए थे, काफ़ी संख्या में नौजवान को FIR किया गया जिसका कोई दोष नहीं। ये सब चीज़ अब बदल दें इन लोग और जो निर्दोष है उसको हटाने का काम करें। और इलाके में बिजली की जो समस्या है, हम लोग लाख कहते रह जाएं, इन लोग कोई सुनने वाला नहीं है। ये सच्चाई है, हम लोग विधायक हैं, लेकिन एक ट्रांसफार्मर अगर चाहेंगे तो इन लोग से नहीं बदल सकता है। बस से बदतर स्थिति है। अब ये लोग अपना मन मिजाज को बदल लें, अब जो है नए सिरे से काम करना होगा, और नहीं तो हम लोग जो है
जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी सुनिएगा और जनता भी हम लोग को सुनाएगी। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप चल जाइए ब्लॉक में, जाति आवासीय बनाना हो, मोटेशन करवाना हो, एक पदाधिकारी जो है ना अधिकारी का सुनता है और ना कोई किसी का सुनता है। और इसको हम लोग यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं और मजबूत भी हैं और इच्छा शक्ति के मजबूत हैं, लेकिन इन लोग का जो हिसाब है, इन लोग जो है बहुत तकलीफ में लोग हैं। कोई काम जो है हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जिला में भेजते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। ना अधिकारी के बाद पदाधिकारी मानता है और न कर्मचारी मानता है, यही सच्चाई है अरवल जिला की। मैं उन्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि गरीब गुरुआ का काम करवाइए, और नहीं तो भाई हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप भी जवाबदेह हैं और हम लोग भी जवाबदेह हैं। हम लोग की जवाबदेही बनती है, सारा चीज सही है, लेकिन जब गरीब का काम नहीं होगा खेतों में, जब सभी उपस्थित सज्जनों भाइयों एवं बहनों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से अरवल जिला बना और जितना उम्मीद आप लोगों ने रखा था उतना विकास तो नहीं हो सका, लेकिन और हमको अब उम्मीद है कि आदरणीय देवता बाबू के नेतृत्व में जो प्रभारी मंत्री हैं अरवल के, तो निश्चित रूप से आपके विकास में सहयोग होगा और जो बचे हुए काम हैं अरवल में उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ किसी के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है और हमको लगता है कि जिस तरह से नहरी व्यवस्था है उसको जितना सुदृढ़ होना चाहिए था, निश्चित रूप से उतना सुदृढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग विकास में सहयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जिला परिषद अरवल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उपस्थित सभी भाइयों बहनों का अभिनंदन करती हूँ। 20 अगस्त 2001 को झनावाल जिला से अरवल जिला को अलग करते हुए स्थापना किया गया था। स्थापना से लेकर अब तक छोटे जिला रहने से बावजूद विकास के सभी इंडिकेटर्स यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर एवं अन्य फील्ड में भी अच्छे पोजीशन में लगातार इम्प्रूव हो रहा है। अब सभी के सहयोग से जिला प्रशासन अरवल पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आज का यह अवसर बहुत ही अहम होगा। अब सभी की इस गणमान्य उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरवल में हमने यहाँ पे प्रभारी मंत्री जो हमको यहाँ पे बनने का मौका मिला है, समझिए कि अरवल जो है शुरू से हमारा घर रहा और आज कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। आज जो अरवल का स्थापना दिवस आप लोग सारे लोग जो अरवल की महान जो जनता है आदरणीय और पूजनीय जनता को मैं प्रणाम करने का काम करता हूँ, सलाम करने का। और यहाँ प्रभारी मंत्री अगर हमको बनाया गया है तो यहाँ का जो है सपना को एक एक नौजवान का, एक एक जनता का जो सपना है उसको किस तरीके से पूर्ण करना है, इसलिए हमने चुना इसको, अरवल को चुनने का काम किया कि अरवल में पहले एक बार हमारा कार्यक्रम करपी जो मैदान है वहाँ हुआ था कार्यक्रम।
और अरवल में किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है, चाहे सड़क से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, बिजली से लेकर के, अब जैसे कि विधायक जी बता रहे थे कि बाईपास में फिर से सोन में पानी होने का, और भी जो समस्या है जैसे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह ये सब नहीं है, क्या विधायक जी आप बता रहे हैं? तो विधायक जी को पता होना चाहिए महागठबंधन की सरकार में हमको तो पर्यावरण सुधारने का मौका मिला है और प्रभारी मंत्री हम यहाँ बने हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य में आप सुधारे थे उसी तरीके से आरोग्य में भी सुधार। मुख्यमंत्री आप तेजस्वी जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य की भी जो जो समस्या होगी, चाहे सड़क का जो जो समस्या होगा, तो समझिए कि आप ही के घर में है। इसीलिए जनता का जितना भी काम है, जितना भी समस्या है, हम लोग उसको सुलझाने का काम करेंगे। और हम नौजवान हैं, हमको इसीलिए चुना गया कि आप लोगों की सेवा करने का। और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप तमाम जो पदाधिकारी गण भी हैं, रोशन जी हैं, आईपीएस हैं, डीएम साहबा हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और ये प्रशासन के लोग हैं, पदाधिकारी गण हैं, तमाम लोग हमको भी सहयोग करेंगे, काम करते हैं। तो हमारी पूरी तरीके से, अब जिस तरीके से बागी जी ने जिस तरीके से कहा कि कई एक समस्या है काम करना, ये बात सही है, हमारी पूरे तरीके से पहल रहेगी कि जब जब हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो उस समस्या को भी लेकर के हम उस पर भी हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। और इसको जितना हो सके, एक घर को हम किस तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, वो हमारी पूरे तरीके से पहल रहेगी कि इसको किस तरीके से सुधारा है। और समय समय पे हम यहाँ के अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे, जहाँ जैसे कि बताया इन्होंने कि गांव में बिजली नहीं रहता, बिजली कट जाता है, तो उसको भी सुधारा जाएगा। आप पहले की स्थिति में देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, पहले की स्थिति में आप देख लीजिए किस तरीके से बदतर था स्थिति। अब जब हम लोगों ने चार्ज लिया है तो इसको पूरे तरीके से हम लोग तन मन हर एक तरीके से अपना, यहाँ तक कि जान लगा करके अरवल को, जो आप लोग का सपना है उसको पूर्ण करने का हमारा तो बच्चे लोगों ने और यहाँ के लोगों ने सम्मिल जुल करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भी हम देखेंगे। और भी जिनकी जो जो समस्या रहेगी वह आप हमको बताइए, ताकि पर्यावरण जो है दूषित नहीं करना है। और अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हम कई एक बार बोले हैं कि जो फ्लावर है, जो फूल है, वो हमको ना दे करके बदले में पेड़ दे, वृक्ष दे, ताकि हम पर्यावरण को और फ्लावर जो है हमारा, या हमारा बचा रहे, या उसके जगह पे अगर आप पेड़ देने में सक्षम नहीं हैं तो आप कलम और किताब दीजिए, ताकि बच्चे हमारे पढ़ लिख सकें, उनको और विकसित किया जाए। जो भी समस्या होगा उसी के लिए ना हम लोग यहाँ आए हैं, आप ही लोग के लिए ना आए हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए। खासकर अरवल को इसलिए हमने चुनने का काम किया है कि इसको विकसित करना है, आप लोगों के सपना को पूर्ण करना है, आगे का कार्यक्रम भी होना है, हमें आगे भी निकलना है, हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।